हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, देन आफ्टर दैट टू शो द फोर्स इन एक्स वाई प्लेन। नाउ मोशन द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। लेट अस सपोज दैट जब कोई नाविक नाव को खेकर एक किनारे से दूसरे किनारे जाता है तो उस नाव पर बैठा हुआ व्यक्ति नाव के सापेक्ष स्थिर रहता है, स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, लेकिन वह किनारे के सापेक्ष मोशन में रहता है। द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाव पर जब फेंकता है किनारे के सापेक्ष हर समय उसकी स्थिति जो है पोजीशन में परिवर्तन होता रहता है, जिससे हम कहते हैं कि वह मोशन में है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हियर, इफ यदि कोई व्यक्ति किनारे बैठकर ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है, जब व्यक्ति जो है नाव पर बैठ करके और नाविक के साथ एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है और उसकी गति को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि वह नाव पर बैठा है उस पोजीशन में वह स्टेशनरी पोजीशन में स्थिर अवस्था में है। नाउ फोर्स पुल एंड पुश आर कॉल्ड द फोर्स दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कोई पार्टिकल स्थिर है और उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, वह गति के अवस्था में आ जाता है। कह रहा है कि फोर्स दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और रेस्ट से मोशन में आ जाता है। आप द मोशन या कोई पार्टिकल मोशन में है तो फोर्स के द्वारा उसको रेस्ट में लाया जा सकता है। यदि गेंद का बॉल सामने से आ रहा हो और इधर से फोर्स लगाते हैं, गेंद की दिशा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो फोर्स के द्वारा जो है दिशा भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। एंड डायमेंशनल ऑफ द बॉडी, इफ यदि हम कोई गत्ता लेते हैं उस पर बल लगाते हैं तो उसके साइज में आकार साइज और शेप में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह फोर्स के द्वारा उसके साइज एंड डायमेंशन में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ टाइप ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट रिफरेंस। फोर्स आर टू टाइप, वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अदर इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में जब हम बल ऑब्जेक्ट को स्पर्श करके लगाते हैं उस पोजीशन में को हम जो बल लगता है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जैसे अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स में या एक यहां यदि कोई ब्लॉक रखते हैं तो या इसका मोशन इधर होगा या इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रैक्शन फोर्स लगता है, या फ्रैक्शन फोर्स जो है ये भी इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी लगता है, या जो है या इसमें जो है दोनों दो पिंड आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, इसको हम फ्रैक्शन फोर्स कहते हैं, या इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, वो भी जो है कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है। इस तरह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में
इसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते हैं लेकिन कुछ दूर पर रहते हैं, उसके बीच भी कुछ फोर्स लगता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। इफ वी थ्रो एनी पार्टिकल इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट कम्स टू द ओरिजिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट इन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एज यू नो दैट इट ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट द अर्थ टू अर्थ सेंटर्स सो दैट हियर इन दिस केस अर्थ अप्लाइड द अट्रैक्शन फोर्स सो ग्रेविटेशनल फोर्स आर मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो द नॉन कंटेक्ट फोर्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स we divide the force in two category, balanced force and unbalanced force. Balanced force do not cause any change in motion, they are equal in size and opposite direction. It means that जब दो या दो से अधिक बल किसी पिंड पर लगते हैं और उसके स्थिति परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, उस पोजिशन में जो फोर्स लगते हैं उसको हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स काज चेंज इन द मोशन, दे आर नॉट इक्वल इन साइज इन अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स दैट द टू आर मोर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी एंड दैट प्रोड्यूस द मोशन इन दैट बॉडी, दैट फोर्स आर नोन एज अनबैलेंस फोर्स। ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स टू प्रोड्यूस द मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी हियर। नाउ फार्मूला फॉर फोर्स, एज यू नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ, इफ एनी फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू क्रिएट द एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी, दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। हियर लेट अस सपोज दैट एम इज द मास ऑफ बॉडी एंड फोर्स एफ अप्लाइड टू द बॉडी दैट क्रिएट द एक्सेलरेशन ए, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ए प्रोपोर्शनल टू एफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड ए इज प्रोपोर्शनल वन बाई एम by 1 and 2, A proportional to F by M, and we remove the proportional to attach the constant K, A is equal to K F by M, where K is the proportional constant, and we choose the unit of force Newton such that the value of K is equal to 1, so that we put the value of K equal to 1, A equal to 1 into F by M, so that F is equal to MA, here F is equal to MA, and force equal to mass into acceleration in this case. Now, show the force in xy direction, and in xy plane here, and direction x and y. Now here given, this is a block and acting the force F3 20 root 3 newton, and here applied a force 20 newton F1, and here applied a force 20 newton, and mass of the block is 2 kg. Then we have to find the acceleration of this and total force acting on this and motion of this block in which direction, x or y direction. Here for solving this we resolve the force in xy direction. Here this force is, here this is a block and this force is acting on this, F3 equal to 20 root 3 newtons, and it is
dividing along the x axis and along the y axis here, so that in this case along the x axis cos theta is equal to base by hypotenuse base, any here f three cos here this in this case acceleration to toward x axis this is base, this force is f three cos 60 degree and this force is f three sin 60 degree, this force applied here cos 60 degree and cos f three sin 60 degree. Here mass of block is 2 kg, that weight is 2 newton and normal force here, and this is F1 20 newton acting along the x axis, and this force applied in two along the x axis and along the y axis. Along the y axis F2 sin 30 degree and along the x axis F2 cos 30 degree here, so that these three force 1, 2 and 3 force will convert into the xy direction here. Now in this case acceleration toward the x axis here, in this case f is equal to m and force is equal to mass into acceleration, so that force acting along the x axis here f3 cos 60 degree plus f2 cos 30 degree plus f1 and equal to mass into acceleration, mass is equal to 2 kg, acceleration is equal to a. Let us suppose that create the acceleration in this block is a, so that f3 is equal to 20 root 3 and cos 60 degree equal to 1 by 2. As we know that sin 0 is equal to 0, sin 30 is equal to 1 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 90 is equal to 1, and due to this reverse diagonal process, cos 0 is equal to 1, cos 30 degree, that value is equal to sin 60 degree root 3 by 2, and sin 45 degree, that is equal to cos 45 degree, cos 60 degree, that is equal to sin 30 degree here, so that cos 60 degree is equal to 1 by 2, f2 is equal to 20 newton and cos 30 is equal to root 3 by 2, f1 is equal to 20, f1 is this here. Now f1 is equal to this, this is a 10 newton, f1 is equal to 10 newton, f1 is equal to 10 newton here in this case 10, and equal to m into a 2a 20 root 3, 10 root 3 and 2, and in this case 2 10 root 3 and this is also 10 root 3, 20 root 3 and 10 is equal to 2a, we take the common 2, 10 root 3 plus 5 and divided by 2, so that this and this cancel, a equal to 10 root 3 plus 5 meter per second square. This is the acceleration to create in the block, and now we apply the formula of this equal to ma, F is equal to ma, with the help of this mass of the block is 2 kg and a is here, we calculate the force acting on, total force acting on this. Now along the toward the x axis, now toward the y axis here, with 2 dg newton weight downward direction and normal force upward, and both force balance each other, and now
in this case F3 sin 60 degree in downward. This force is acting in the downward direction. F3 is equal to 20 root 3 into sin 60 is equal to root 3 by 2. Root 3 3 at 210, that is a 30 newton. And second force that acting in upward direction, this F2 sin 30 degree 20, F2 is equal to 20 here, and 30 degree 1 by 2 10 newton. Since this force is greater than this force F3 sin 60 degree, this force is greater than this force, so that the body do not left the ground. यहाँ जमीन को नहीं, बॉडी जमीन को नहीं छोड़ेगा. इस पोजीशन में मोशन अलॉन्ग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, सो दैट टोटल नॉर्मल एक्सेलरेशन हियर दिस इज 30 न्यूटन एंड दिस 30 न्यूटन एंड दिस इज 10 न्यूटन 30 10 14 न्यूटन. टोटल नॉर्मल फोर्स इज 14 न्यूटन हियर. नाउ वी टेक द अनदर एग्जांपल. Here, example one here, given M1 and M2 are two block, mass of M1 is equal to 2 kg and mass of M2 is equal to 3 kg. Attached to each other by a string, that string is not compressible and elongated here, attached to this, and force F applied here 15 newton, then find out acceleration created in this and tension in the string here in this case. Now here we assume that only one system, both block to make only one system in this case. As we know that by the Newton's second law, F is equal to ma. Here F is equal to M1, M2, both attached to each other, because we assume that both are same system, and F is equal to 15 newton and M1 is equal to 2 newton, M2 is equal to 3 newton, so that A is equal to 3 meter per second square. This is a acceleration produced in this, so that in this case tension T, that is also a type of a force, T is equal to ma, in this case in the this block M1, we take the block this m is equal to 2 kg and acceleration is equal to 3 newton, so that tension is equal to 6 newton here. This is also answer. Now we take the system M2 here in this case, force F acting here, and in this string to produce the tension in the opposite direction here, so that F minus T is equal to ma, and F is equal to 15 newton minus tension T is equal to ma, mass of M2 is equal to 3, and acceleration in the system is equal to 3 here, so that 3 is 9, and this T comes here, this is 9, 15 minus 9 is equal to 6 newton, so that tension in the string is 6 newton. This is our answer. Now we take another example. Now here example 2. In this case, here M1, M2, M3 are the three block, mass of M1 2 kg, mass of M2 3 kg, mass of M3 5 kg. These blocks are attached by a light string that cannot elongated or compressible here. If the maximum tension string can be bear 20 newtons, 20 newton bull को सहन कर सकता है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम विदाउट ब्रीजिंग द
string. Now in this case we assume only one system, so that total mass is 2 plus 3 plus 5, 10 kg, so that F is equal to ms by Newton second law. As you know that F increasing, it means that the acceleration also increasing, so that tension will be increasing. In this case, free value diagram of the block of M on this, force applied here, M on this here, so that M on tension and force, that is create the tension in this string and acceleration. F is equal to M on T is equal to this, for this block here, this is the last block, so that M on is equal to here. In this case, this is M, this is the block M1 is equal to 2, M1 is equal to 2A, so that A increase, it means that tension increase, and maximum tension are given 20 kg, 20 newtons here, so that acceleration is equal to 20 by 2, 10 meter per second square. This is the acceleration produced in the system, so that the force without breaking the string, F is equal to ma, m is equal to 10, and a is equal to 10 meter per second square, so that this is our answer, 100 newton to apply the this force on this system, that the string does not disconnect. Now the example 3, here also the three block M1, M2, M3 and one force acting here. Let us suppose that A is the combined acceleration of this, and M1, M2 mass of this is 1 kg, 2 kg and 3 kg. Find out normal force between 1 and 2. 1 and 2 normal force and 2 and 3 normal force, N1, 2 and N2, 3. System with combined H acceleration of H block A. Here acceleration is A, F is equal to M, F is equal to 60 newtons here, and this is A is equal to 10 meter per second square, the acceleration of the system, because system is attached to H, this block is attached to H other, and this form the system, so that now for the block M1 here 60 newton. And this is 1, 2. Now by law of Newton, second law of is equal to ma, 60 minus n12 is equal to ma, 1 into a is equal to 10 here, so that ma is equal to 50 newtons. It means that